संभल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। लोकसभा बदायूं क्षेत्र में 7 मई को चुनाव होने जा रहा है, इसी को लेकर कन्नौज की जनता में सरगर्मियां चढ़ी हुई हैं। दूसरी तरफ प्रत्याशी भी जनता को लुभाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने जनता से समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है, आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए, 5 साल तक मैं आपकी सेवा करूंगा। तो वहीं चाचा शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा की सरकार केवल इंजेक्शन लगाना जानती है, जो फायदा तो नहीं करता, लोगों को नुकसान जरूर करता है, देश की जनता परेशान है। उन्होंने कहा, बड़े बड़े होल्डरों पर दिग्गजों की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होता, जिसमें सिर्फ एक ही इंजन रह गया है। हमारी सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी तभी संविधान बचेगा, कन्नौज की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। हमने सब कुछ भूल कर गठबंधन किया, हमें पता होता तो हम पहले ही घर में ही जीत जाते। तो वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी नकल से उन्होंने लैपटॉप की जगह छोटा कर दिया। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी कुछ नौजवान ये अहीर रेजिमेंट की भी तख्ती ऊपर कर देते हैं। मुझे याद है 2019 का चुनाव, हमने कहा कि अकेली अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी, इसके साथ साथ गुजरात की भी रेजिमेंट बनेगी। अगर आप और हम लोग फौज में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं तो और प्रदेश के लोग भी आए और सेवा करें, लेकिन जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, कोई कार्यक्रम कोई सभा बिना भारत माता की जय किए खत्म नहीं होती। हम और आप लोग भी भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखो जो फौज हमारी सीमा पे खड़ी होती है, जो अलग सी परिस्थितियों में देश की सीमा की रक्षा करती है, उस नौकरी को इन्होंने आधा अधूरा बना दिया, अग्निवीर जैसी नौकरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।